हेलो फ्रेंड्स, आपका करते हैं फिर से एक बार वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर कमांडो ध्रुव की 5 रिप्रिंट कॉमिक्स, जो कि सुपर कमांडो ध्रुव के स्टार्टिंग की 5 कॉमिक्स रहेंगी। और ये पहली कॉमिक्स रहेगी फ्रेंड प्रतिशोध की ज्वाला, और यहाँ संख्या दी गई है, और ये नीचे की तरफ राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी का लोगो, और इसके नीचे दिया गया है एक फ्री स्टिकर के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर हम इसका साइड का व्यू देखें तो यहाँ ऐसा व्यू दिखता है, और ये पीछे की तरफ नागराज की एक कॉमिक्स खूनी कबीला का एड दिया गया है। तो चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं अंदर की तरफ से। और ये दी गई है कुछ ओल्ड कॉमिक्स की एड। तो फ्रेंड, आपको बता देते हैं कि यह कॉमिक्स ठीक उसी तरह से ओल्ड एड के साथ रीप्रिंट की गई है, सिवाय प्राइस को चेंज करने के। और इसका जो ओल्ड प्राइस यहाँ मेंशन किया गया है 4 रुपीज, लेकिन आप इस भ्रम में मत रहिए कि आपको यह 4 रुपये की मिलेगी। अब ये आपको 60 रुपीज की पर कॉमिक्स मिलेगी सुपर कमांडो ध्रुव की। और ये देखिए फ्रेंड, कितनी शानदार इसकी क्वालिटी बनाई गई है सुपर कमांडो ध्रुव की इस कॉमिक्स की। और यहाँ अगर हम इसके पेजेस की बात करें तो फ्रेंड पेजेस यूज किए गए हैं ग्लोसी में, हाई क्वालिटी ग्लोसी पेजेस का यहाँ यूज किया गया है मनोज गुप्ता जी के द्वारा। तो उन्होंने सुपर कमांडो ध्रुव की इन 5 कॉमिक्स को रीप्रिंट करने में किसी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि जैसा आपको पता था कि स्टार्टिंग में जो कॉमिक्स आई थी तो उस समय कुछ कमियां इसमें मिल जाती थी, लेकिन इस बार उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से इन्हें दोबारा से रीप्रिंट करवाया है। लेकिन उससे पहले उन्होंने इन कॉमिक्सों के अंदर सुधार करवाया है, और यहाँ प्राइस मेंशन किया गया है 60 रुपये। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, ये नेक्स्ट कॉमिक्स रहेगी रोमन हत्यारा, ये सुपर कमांडो ध्रुव की 2nd कॉमिक्स है। लेकिन फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूँ कि सुपर कमांडो ध्रुव की यह पहली कॉमिक्स होने वाली थी, लेकिन यह पहली कॉमिक्स नहीं हो पाई। इससे पहले प्रतिशोध की ज्वाला को लॉन्च कर दिया गया। यहाँ एक खास बात और देखने वाली है फ्रेंड्स, कि अगर आप इस कॉमिक्स को देखोगे तो यहाँ आपको सुपर कमांडो ध्रुव कहीं भी दिखाई नहीं देगा। जी हाँ फ्रेंड, यह रोमन हत्यारा पहली ऐसी कॉमिक्स है, पहली और आखिरी ऐसी कॉमिक्स है जिसके मुख्य पृष्ठ पे सुपर कमांडो ध्रुव हमें दिखाई नहीं देता है। और ये है सुपर कमांडो ध्रुव, और यहाँ इनकी जो कवर क्वालिटी है वह भी काफ़ी शानदार बनाई गई है। और अगर हम बात करें सुपर कमांडो ध्रुव की स्टार्टिंग की कॉमिक्सों की, तो इनकी जो कहानियां होती थी वह काफ़ी ज़्यादा दमदार होती थी, क्योंकि उन्हें लिखा जाता था, कथा व चित्रांकन किया जाता था श्री अनुपम सिन्हा जी के द्वारा। जी हाँ, श्री अनुपम सिन्हा जी ही सुपर कमांडो ध्रुव के जनक हैं, और वे स्टोरी इस तरह की स्टोरी लिखा करते थे कि पढ़ने वाला स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कॉमिक्स में बंधा रहता था। वह अपने दर्शकों को बांधने में कामयाब रहते थे, और सुपर कमांडो ध्रुव तो एक खास करेक्टर था अनुपम सिन्हा जी का, और यह राज कॉमिक्स का नागराज के बाद दूसरा ऐसा करेक्टर था जिसने राज कॉमिक्स में अपनी प्रसिद्धि बनाई थी। और ये कुछ स्टार्टिंग की 5-6 कॉमिक्स फ्रेंड ऐसी थी जो कि मुझे कभी मिल ही नहीं पाई थी। मैंने काफ़ी प्रयास किया था कि मैं इन कॉमिक्सों को बाय करूं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। कहीं मौका क्या फ्रेंड, कहीं कॉमिक्स मिल ही नहीं ये थी मुझे। और इस बार जैसे ही मैंने न्यूज पढ़ी कि 5 कॉमिक्स आ गई हैं, तो मैंने तुरंत प्रभाव से इन कॉमिक्सों को ऑर्डर कर दिया, और ऑर्डर करते ही इन 5 कॉमिक्सों को मैंने दबोच लिया। और जैसा कि ये जो आदमखोरों का स्वर्ग और स्वर्ग की तबाही है, तो मेरी मनोज गुप्ता जी से रिक्वेस्ट है कि इन दोनों कॉमिक्सों को एक संयुक्त संस्करण में बनाकर एक कलेक्टर एडिशन के रूप में भी पेश किया जा सकता है, क्योंकि इनकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, आदमखोरों का स्वर्ग और स्वर्ग की तबाही। तो इन दोनों का एक कलेक्टर एडिशन भी ज़रूर आना चाहिए अलग से, सिर्फ जिसमें सिर्फ ये 2 कॉमिक्स ही रहेंगी, क्योंकि ये तो हमें पता है कि श्री मनोज गुप्ता जी इनके जो 5 कॉमिक्सों को इकट्ठा करने के बाद इनका एक कलेक्टर एडिशन तो लेकर आने ही वाले हैं, और मैं उसे भी बाय जरूर करूंगा। अगर फ्रेंड आपने भी अभी तक इन कॉमिक्सों को बाय नहीं किया है, तो फ्रेंड आपके लिए ये एक सुनहरा मौका है अपने कलेक्शन में सुपर कमांडो ध्रुव की स्टार्टिंग की इन कॉमिक्सों को सजाने की, क्योंकि अगर आपने इस बार यह चांस मिस कर दिया तो नेक्स्ट टाइम पता नहीं ये कॉमिक्स दोबारा से रीप्रिंट होंगी या नहीं होंगी। तो फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं इनकी क्वालिटी की। तो फ्रेंड ये देखिए, बात है ऐसे कि इन कॉमिक्सों में जैसे कि अंदर काफ़ी ज़्यादा सुधार किया जाता है इनके प्रत्येक पेज के ऊपर, कवरिंग मतलब कि उनमें चेंजेस किया जाता है, जहाँ कहीं भी कुछ भी कमी होती है तो उसे
मतलब कि ठीक किया जाता है, और इस करके इनकी जो मतलब कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन यार फ्रेंड फिर भी 60 रुपये कुछ ज़्यादा कॉस्ट मुझे नहीं लगती, क्योंकि 1985 के आसपास ये कॉमिक्स आई थी और 30 साल के बाद हमें लगभग 30 साल के आसपास हमें दोबारा से ये कॉमिक्स मिल रही है 60 रुपये के आसपास, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा कॉस्ट है। क्योंकि इस बार इनकी जो पेपर होते हैं इसमें पेपर क्वालिटी और कवर क्वालिटी काफ़ी शानदार बनाई गई है, जिससे इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यकीन मानी फ्रेंड, मैंने ये आदमखोरों का स्वर्ग और स्वर्ग की तबाही को मैंने मतलब कि रीप्रिंट करवाया था बाहर मार्केट से, तो ये मुझे कम से कम 300-400 रुपये के आसपास दो कॉमिक्स पड़ी थी और इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं आई थी। तो यकीन मानिए यहाँ आपको सिर्फ दो कॉमिक्स 120 रुपये में मिल रही है और वहाँ मैंने 300-400 रुपये लगाए थे इनकी ये दो कॉमिक्सों के ऊपर। अगर आपने वह वीडियो देखना हो तो आप मेरी YouTube की लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि मैंने वो रीप्रिंट करवा के मैंने उनकी बाइटिंग करवाई थी और उसमें एक कॉमिक्स मौत का ओलंपिक भी थी। और मैं आपको यहाँ एक जानकारी देना चाहता हूँ मेरे माय डियर फ्रेंड्स, कि सुपर कमांडो ध्रुव का जो मैन विलेन था ग्रैंड मास्टर रोबो, उसकी एंट्री सबसे पहले मौत का ओलंपिक में ही दिखाई गई थी। तो ये पांचों स्टार्टिंग की काफ़ी ज़बरदस्त कॉमिक्स हैं, मतलब पांचों नहीं, मतलब कि सुपर कमांडो ध्रुव की जो स्टार्टिंग की जो 15-16 जो सिंगल इशू में जो जनरल इशू में कॉमिक्स आई थी, वे सभी कॉमिक्स ही काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं। और मुझे अभी फ़िलहाल भी मतलब कि इसकी जो कॉमिक्स थी आखिरी दाव और चैम्पियन किलर, वह मेरे स्टॉक में नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मनोज गुप्ता जी उन्हें भी जल्द से जल्द रीप्रिंट करें ताकि वह मेरे जो कलेक्शन की शोभा बढ़ाएं। और मैं अभी इनका एक सेट और ऑर्डर करने वाला हूं। पता नहीं यार, ऐसे ही मन नहीं मानता यार, क्योंकि सुपर कमांडो ध्रुव इज माय बेस्ट फेवरेट माय सुपरस्टार इन कॉमिक्स इंडस्ट्री, बल्कि मेरा ही क्या, ये तो लगभग सभी का सुपरस्टार है सुपर कमांडो ध्रुव। और इनके साथ फ्रेंड कुछ स्टिकर्स भी फ्री आए थे, तो चलिए मैं वे स्टिकर्स भी आपको वन बाय वन दिखाता हूँ। ये बल्कि ये काम तो मनोज गुप्ता जी ने काफ़ी अच्छा किया है कि इनके साथ ओल्ड लुक वाले एक एक स्टिकर हमें प्रोवाइड करवा दिए हैं। और ये देखिए फ्रेंड, ये रहेंगे स्टिकर, ये देखिए कितना शानदार स्टिकर है सुपर कमांडो ध्रुव का क्लासिक ओल्ड लुक स्टिकर। वाह, मज़े आ गए देखने में स्टिकर यार, दिल खुश हो गया क्योंकि पहले कभी स्टिकर मुझे मिले ही नहीं थे। और ये देखिए यार, स्टिकर में थोड़ी सी ये गलत कटिंग हो चुकी है और ये पूरा स्टिकर इसकी वजह से ये ख़राब हो गया है। चलो कोई नहीं, देखते हैं ये स्टिकर भी किसी तरह से दोबारा से प्रोवाइड करवाएंगे। और ये स्टिकर देखिए यार, क्या बड़ा साइज है इस कॉमिक्स का। चलिए मैं आपको इसका साइज़ दिखाता हूँ स्टिकर का कि कितना बड़ा साइज है इस स्टिकर्स का। और ये देखिए फ्रेंड, ये मैं कॉमिक्स पे रखता हूँ और ये देखिए कितना बिग साइज का ये स्टिकर है, और स्टिकर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। चलिए अब मैं आपको दूसरा स्टिकर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी एक विंटेज लुक क्लासिक सुपर कमांडो ध्रुव का स्टिकर है और ये भी काफ़ी अच्छा स्टिकर्स है। तो ये तो यहाँ पर मनोज गुप्ता जी की तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने हमारा बचपन दोबारा से जीने की एक लालसा पैदा कर दी है। और ये स्टिकर तो सबसे जाइंट स्टिकर है फ्रेंड, क्या ज़बरदस्त स्टिकर है। अगर इसी तरीके से मतलब कि मनोज गुप्ता जी हमें और नए नए स्टिकर्स प्रोवाइड करवाते रहें पर कॉमिक्स के साथ, तो यार कॉमिक्स खरीदने में मज़ा आ जाता है यार। जब तक स्टिकर साथ ना होना है वैसे फिर मज़ा नहीं आता स्टिकर खरीदने में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं श्री मनोज गुप्ता जी का कि वह ऐसे ही हमारे लिए नई नई कॉमिक्स रीप्रिंट कॉमिक्स लाते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।